गाइस, सो मेरा पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है और वहीं पे बैठ करके एक दो रील्स भी बनाई हूँ और थोड़ा सा मूड ठीक रहता है तब सब कुछ करने का मन करता है, मतलब रील्स वगैरह वीडियो वगैरह सब कुछ मन करता है। और मूड ठीक रहता है बच्चों की वजह से, मूड खराब भी होता है तो मेन बच्चों की वजह से होता है। तो कृष्णा, हाय कृष्णा, हाय कर दो, कृष्णा कृष्णा हाय कर दो, हाय, ए बाबू हाय कर दो, हाय। तो मेरा बच्चा थोड़ा सा ठीक हुआ है, अभी भी इसका दवा चालू है और शायद 2-3 दिन अभी और चलेगा, लेकिन आप ही सोच लीजिए जिस दिन कल स्थापन हुआ उस दिन से लेकर आज 5वां दिन है, अभी तक ये पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। सर्दी भी है, खांसी भी है, बट वो जो लक्षण है जो मैं बताई ही थी वो थोड़ा सा शांत हो गया है और लगभग 1 हफ्ता तो लग ही जाता है। अगर बच्चा एक बार भी तबीयत बच्चे का ख़राब होता है तो 1 हफ्ता लग जाता है, और 3 दिन जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, मतलब लिटरली रोना आता है, बस रोने का बस मन करता है और बस भगवान को मनाते रह, मतलब मनाते ही रहती हूँ, भगवान के पास ज़्यादा कर बैठ बैठ कर मनाती हूँ कि भगवान जी बस ठीक कर दीजिए। मतलब अगर किसी के घर में ऐसा हुआ होगा तो उनको पता होगा, बाकी भगवान ना करे कि किसी के घर में ऐसा होगा, लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मतलब वो देख कर ना, उस टाइम बच्चों को देख कर रोना बस आता है, मतलब ऐसा लगता है कि एक सांस लेने के लिए इतना स्ट्रगल कर रहा है, इतना मेहनत से वो सांस ले रहा है और वो देख देख कर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा रोना आता है, बस मन करता है कि भगवान सारा जो भी मेरे बच्चों का दुख है सारा मुझे दे दो, इन लोगों को स्वस्थ रखो, मेरे दोनों बच्चों को स्वस्थ रखो। मिठी को भी थोड़ा सा भी उल्टी भी हो जाता है तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन इसमें यही एक बस प्रॉब्लम है, बस इसका उल्टी, तबीयत खराब होता है तो भी उल्टी, कुछ भी होता है, बाकी सर्दी बुखार मतलब बोलना नहीं चाहिए, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन बचपन से इसको ये तबीयत खराब वाला कभी परेशानी नहीं हुआ है। कृष्णा का जब 6 महीना हुआ उससे ही पहले से ही स्टार्ट हो गया था, आप लोग अगर मुझे पहले से देख रहे हो तो अचानक से मैं एक बार सुबह सुबह हॉस्पिटल गई थी जब मैं दिल्ली में थी, तब एकदम जब डॉक्टर आए भी नहीं थे, इमरजेंसी में हम लोग गए थे और फिर वहाँ पे जाके ठीक हुआ था, लेकिन उस टाइम प्रॉब्लम ये था कि गर्मी की मौसम थी और हम लोग AC 16 पे चला करके सो गए थे, भूल गए थे बंद करना, मतलब कम करना या बंद करना जो भी हो, और हम लोगों को तो इतना पता नहीं चलता है, बच्चा छोटा था शायद 3 या 4 मंथ का था बाबू, तभी ये स्टार्ट हुआ था। उसके बाद दूसरा अटैक आया था, मतलब अटैक में बोल रही हूँ, जो भी हो दूसरा बार आया था 6 मंथ का जब बाबू था, मुजफ्फरपुर में बिहार में मैं थी तब आया था, और दूसरी बार उसके बाद से हर कुछ कुछ दिन पे मतलब हो ही रहा है। लास्ट टाइम अभी हुआ था मेरे भाई के शादी के टाइम में, और उसके बाद जब भी ट्रेन से सफ़र करती हूँ तो इसका तबीयत ख़राब हो जाता है, ट्रेन का AC बहुत खराबी करता है, बहुत मतलब ये हार्ड होता है, चाहे जो भी हो ट्रेन का AC हो जाता है, ऊपर से पानी चेंज हो जाता है, जगह चेंज हो जाता है, इसका तबीयत खराब हो जाता है। तो हम लोग लास्ट टाइम जब बिहार से शादी में आए थे उस टाइम इसका तबीयत खराब होता, उस टाइम से इसका होम्योपैथी या क्या होम्योपैथी या फिर आयुर्वेदिक ऐसे कुछ दवा बोलते हैं, हाँ बेटा एक मिनट, वही दवा मतलब खिलाना चालू किए हैं और वो दवा कंटिन्यू शायद 2 साल तक भी चल सकता है, फिलहाल 6 महीना से तो खा ही रहा है, डोज कम हुआ है, पहले 5 गोली फिर अभी 2 गोली पे आ गया है, तो वो दवा खाना है कंटिन्यू और उसी से बाबू ठीक हो जाएगा, मतलब उससे ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, नहीं तो सुनने में आता है ऐसा कि ये प्रॉब्लम 5-7 साल तक बच्चों को मतलब कि नहीं छोड़ता है, ऐसे मतलब ये प्रॉब्लम रहता ही है और बहुत बचाना पड़ता है, तो भगवान करे इतना दिन चले, भगवान करे जल्दी से मेरा बाबू ठीक हो जाए। आप लोगों का प्रार्थना, आप लोगों को दिल से थैंक यू, प्रार्थना बहुत काम आया, मैं एक रील्स डाली थी और जैसे कि बहुत लोगों को लगे है कि ये क्या है, बच्चों का तबीयत खराब है क्यों डाल रही, मैं इतना कुछ नहीं डाल रही, लेकिन एक होता है ना कि एक अपडेट भी देना, एक जैसे कि हर खुशी में शेयर करती हूँ उसी तरह अगर दुखी हूँ तो दुखी व्यक्त करना एक हुआ कि हाँ मैं इन चीज़ों में लगी हुई हूँ, बाबू का तबीयत खराब है इसमें मैं लगी हुई हूँ, और एक अपडेट भी देना, जैसे कि भले मैं बहुत ज़्यादा फेमस यूट्यूबर या फेमस इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों से तो मैं जुड़ी हुई हूँ, कुछ लोग तो है जो मुझे प्यार करते हैं, जो मेरे फैमिली को प्यार करते हैं, जो मेरे बाबू को प्यार करते हैं और परवाह भी करते हैं, मतलब सोचेंगे अगर मैं अचानक से वीडियो डालना रील्स डालना बंद कर दूंगी और जो लोग मुझे देखते हैं वो लोग सोचेंगे तो ज़रूर कि क्या हुआ अचानक से बंद हो गया, तो मतलब एक बार अपडेट देना ज़रूरी होता है।
मुझे ऐसा लगता है और मन भी करता है कि हाँ मैं जैसे अपनी मम्मी मम्मी जी सब लोगों से जैसे शेयर करते हैं उसी तरह आप लोगों से भी शेयर करने का मन करता है। जब कुछ अच्छा होता है, जब कुछ एक्साइटिंग होता है तो भी, और जब कुछ बुरा होता है, जब कुछ दुखी होता है, मन दुखी होता है, मूड ऑफ होता है तो भी मन करता है कि बताए अपनों को। और ये अपना जैसा लगता है, जैसे अभी मैं एक तरह से फोन में शूट कर रही हूँ अपने फोन में कि कोई नहीं, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि मैं अपने फोन में शूट कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ सीधा। मतलब ऐसा बिल्कुल लगता ही नहीं कि मैं फोन में बोल रही हूँ या अपने आप से बोल रही हूँ, मुझे पूरा ऐसा फील आ रहा है कि मैं आप लोगों से बोल रही हूँ। और आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा फिर, या फिर बहुत सारे लोग नहीं कमेंट करते हैं, मैं बुरा नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं भी ज़्यादा कमेंट नहीं सब पे कर पाती हूँ, बहुत सारा मैं भी वीडियो देखती हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि बड़े इन्फ्लुएंसर है, बड़े यूट्यूबर है, उनका रिप्लाई नहीं आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए ये सोच करके भी मैं कई बार कमेंट नहीं करती हूँ। लेकिन आप लोग करना कमेंट, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कमेंट आता है तो, और मैं रिप्लाई करने का भी पूरी कोशिश करती हूँ। जब कभी फंस जाती हूँ इन सब चीज़ों में तब मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ और वो चीज़ पीछे चला जाता है तो फिर नहीं दिखता है, नहीं तो जानबूझकर तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि मैं कमेंट नहीं करूँगी। खैर जो भी हो, हाँ तो हाँ फेंक दो बेटा। तो पूजा पाठ हो गया है, ये प्रसाद मैं भी खा रही हूँ, मीठी खा ली है और अब मैं जाऊँगी खाना खाने। और शायद 1 बज गया होगा, हाँ 1 बज गया है, 12 बजे से 12:15 मैं पूजा स्टार्ट की थी। पूजा में टाइम लग जाता है इसलिए पूरा कौन शूट करेगा वीडियो, मतलब बहुत टाइम लग जाता है दुर्गा चालीसा, मतलब जो भी चालीसा हो, आरती हो, तामझाम में ही मतलब सजाने में मैया को, ये क्या बोलते हैं, टीका चंदन, ये वो बहुत चीज़ें होता है, तो इतना चीज़ें दिखाने की क्या जरूरत है। वो तो सभी लोग पूजा करते हैं अपने मन से, अपने दिल से और अपने हिसाब से सब लोग पूजा करते हैं, सब लोगों का थोड़ा थोड़ा तरीका भी अलग होता है, तो ये तो कोई बात है नहीं, इसलिए मैं थोड़ी देर के बाद बंद कर दी थी। तो चलिए अब मैं जाऊंगी खाना खाने और 5 दिन के बाद मैं सोची हूँ कि चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। मन नहीं लग रहा है, बाबू ठीक हो गया है, 70% ठीक हो चुका है, अभी दवा चलेगा 2-3 दिन तक ठीक हो जाएगा। और आप लोग प्रे कीजिएगा कि बाबू एकदम अच्छे से ठीक हो जाए और बाबू का जो वो वाला प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए, वो परेशानी ख़त्म हो जाए, वो दुख दूर हो जाए। मैं बहुत ज़्यादा मतलब मैं ऐसी लड़की हूँ ना कि सामने से आपको कभी पता नहीं चलेगा कि मैं अंदर से बहुत दुखी हूँ, सामने से लोगों को यही पता चलेगा कि ये बहुत ज़्यादा खुश है अपने लाइफ में, लेकिन सच में मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ कभी कभी। हाँ बेटा, नहीं 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 गंदी बात कृष्णा, नो हाथ धो लो जाओ, हाथ और जिससे खुलता ना उसी को पैसे दबा, नहीं 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 हाथ धो लीजिए बेटा जाइए। तो बस यही मैं बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा मैं भी कोई भी दुख ऐसे बताती हूँ कि ये है वो है, लेकिन जितना मैं ऐसे कैमरे के सामने रो नहीं सकती हूँ, या फिर मतलब सबका होता है ना, किसी के सामने कोई रो सकता है कोई नहीं रो सकता है, तो मैं उनमें से हूँ, मुझे रोने में शर्म आता है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल मैं भी हूँ, मुझे भी रोना आता है और बहुत ज़्यादा मतलब ये होता है, दुख होता है कुछ चीज़ें सोच करके कि बच्चा है दुखी है ये है वो है। मैं खा रही हूँ बस, थोड़े दिन खाती हूँ, ठीक है, ये इधर बाय कर दीजिए, बाय कर दीजिए, एक बार बाय बाय, फ्लाइंग कुची दे दीजिए, फ्लाइंग कुची देना था, फ्लाइंग कुची दीजिए, हाथ से हाथ से हाथ से ऐसे इधर दे दीजिए, इधर दीजिए कुची दे दीजिए, कुची कुची, हाँ बाय बाय कर दो, बाय। तो बस बातें बहुत हो गई, 5 दिन बाद मिली हूँ तो बात तो ऑब्वियसली बहुत हो ही जाएगा, और आज बातों में ही बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया, मैं टाइम देख रही हूँ, तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, पहले दोनों बच्चों को खाना खिलाऊंगी, ओ नो 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 नो, खाना खिलाऊंगी, खाना खाने के बाद फिर बाय बाय। तो इसके बाद खाना पीना हो गया था हम तीनों का, और दोनों बच्चे को मैं सुलाई हूँ, मतलब कृष्णा को सुलाई हूँ, कृष्णा सो जाता है, तो मीठी भी थोड़ा बहुत अपना पेंटिंग ड्राइंग कुछ भी की, उसके बाद वो भी सो जाती है, उसका रोज क्या है, थोड़ा बहुत पेंटिंग करेगी ड्राइंग करेगी उसके बाद वो सो जाती है। अभी वो दोनों सो गए हैं तो अब मैं जा रही हूँ जो बचा कुचा काम है, जिस काम में बाबू डिस्टर्ब करता है वो करने, और काम में तो वैसे बहुत सारे काम में डिस्टर्ब करता है, लेकिन कपड़ा जो फोल्ड करने में होता है ना, जो हम कपड़ा फोल्ड करते हैं वो बाबू उस पर या तो बैठ जाएगा या तो उसको खोल देगा या तो वो भी करेगा, मतलब कुछ ऐसा करता है जिसमें 2 मिनट का काम 5 मिनट और लगेगा और अच्छे से होगा भी नहीं। तो मतलब मेरे घर में कपड़ा का भंडार है, आई थिंक बहुत सारे लोगों के घर में होगा लेकिन मेरे घर में कुछ ज़्यादा ही है, देखो हम 4 जने हैं और जो भी ठीक करने वाला होता है वो घर में एक ही लोग होता है, मतलब पहनने वाला 5-6 होता है, चाहे 4-5 दो जितना भी होता है, लेकिन ठीक करने वाला एक ही लोग होता है। तो क्या होता है ना कि जितना भी कपड़ा धोया हुआ है सब यहाँ पर रख देते हैं या फिर कहीं चेयर पर रख देते हैं या फिर ये रूम में बेड जो है
उस पर कोई सोता नहीं है, तो इस बेड पर रख देते हैं। और जब भी टाइम मिलता है तो अच्छे से फोल्ड करते हैं। दोनों बच्चों का जो कपड़ा है वो इसी रूम में छोटा सा एक गोदरेज है उसमें रखा जाता है, और जो हम दोनों का होता है वो दूसरे रूम में जिसमें हम लोग सोते हैं उसमें एक गोदरेज है उसमें रख देते हैं। और डेली लगभग हो जाता है, कभी किसी किसी दिन ऐसा होता है कि टाइम नहीं मिल पाता है। अब आप लोग भी जो हाउसवाइफ होंगे उन लोगों को पता होगा कि सुबह से खाना पीना बनाओ, बच्चों को स्कूल भेजो, हस्बैंड को ऑफिस भेजो, उसके बाद खुद नहाओ, पूजा करो, खाओ, उसके बाद मन करता है कि थोड़ा आराम करें, लेकिन आराम हो कहाँ पाता है। अगर छोटा बच्चा है तो उसको सुलाओ, उसको दूध दो, दवा अगर तबीयत खराब है तो दवा दो, इसी सब में टाइम निकल जाता है। और फिर जब वो सोता है तो मन करता है कि आराम करे, थोड़ा सा मोबाइल देखे, लेकिन हमारा काम है वीडियो बनाना, क्योंकि मेरा काम है ऐसा नहीं है, तो मेरा थोड़ा उधर भी ध्यान चला जाता है कि वीडियो भी बना लेते हैं, थोड़ा रील्स भी बना लेते हैं, शॉर्ट्स भी बना लेते हैं, और इस तरह से आराम नहीं मिल पाता। और उसी में फिर ये सब काम है, भले रिकॉर्ड कर रही हूँ अभी तो, जैसे 5 दिन बाद में ब्लॉगिंग की हो, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब काम 5 दिन बाद ही होता है, ये सब रोज़ दिन खाना है, रोज़ दिन नहाना है, रोज़ दिन ये सब काम होता है। तो जिस दिन रिकॉर्ड कर लिया तो चलो वो है, लेकिन होता तो हमेशा ही है। तो अभी ये सब करेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा देर मतलब ये सब मैं कर ही रही हूँ कि बाबू उठ गया। बाबू उठ गया तो मतलब हो गया 1.5 घंटा 2 घंटा बाद उठा है मान लो, तो उसमें फिर उसको दूध दो, या फिर नहीं भी दूध है तो थोड़ा, अगर थोड़ा देर सो के उठ गया तो उसका नींद पूरा नहीं हुआ तो थोड़ा चिड़चिड़ा रहेगा, उसके साथ रहो, उसको मोबाइल दो, या फिर मतलब जैसे भी हो। कभी मेरा फ़ोन ही ले लेता है तो मैं शूट नहीं कर पाती हूँ अपना, कुछ कुछ करती हूँ। तो बाबू उठ गया, उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं इसको खिलाने पिलाने का सोच रही हूँ कि हस्बैंड आ गए, फिर मतलब ऐसा ही होता है कि टाइम नहीं मिल पाता है। अगर सूट हो रहा है तो बहुत कुछ सूट हो जाएगा, जैसे आज का ही वीडियो देख लो, वैसे तो आज मैं बात ही बहुत देर कर ली, 7-8 मिनट बात ही कर ली, तो वो तो अलग बात है, डेली ऐसे बात नहीं करती हूँ, आज ज़्यादा बात कर ली, नहीं तो फिर भी मतलब जैसे स्टार्ट की हूँ तो कुछ कुछ सूट कर रही हूँ, बहुत चीज़ें सूट नहीं भी की हूँ, दूध वाला आया, दूध बॉयल की, कुछ बर्तन धोई, ये वो बहुत कुछ नहीं भी सूट की। जो भी कपड़ा था मीठी का मीठी में डाल दी, हम लोगों का जो था वो हम लोगों में डाल दिए। और जैसे को खाना खिलाने ही जा रहे थे कि हस्बैंड आ गए हैं, ये देख सकते हैं। और पापा के आने से बाबू लोग, बच्चे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, जैसे कि मेरा बच्चा भी वैसे ही है, बहुत खुश हो जाता है। और वही है, कुछ कुछ लेकर के आए हैं, नो अनियन नो गार्लिक वाला, यहाँ पे समोसा और सब कुछ का दुकान है तो वो सब लेकर के आए हैं। और यहाँ हम लोगों का थोड़ा झगड़ा चल रहा है, झगड़ा मतलब ऐसा कुछ खास नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत हो जाता है, कभी कभी मजाक में ही बहस हो जाता है, और फिर लगता है कि जैसे कि अब मनाना या फिर ऐसा कुछ भी हो जाता है। तो वही वो आए हैं, तो मतलब मैं कुछ बोल रही थी और वो बोल रहे थे कि मैं ऐसे ही बोल दिया ऐसा करके कुछ भी। फिर जो भी लेकर के आए हैं, समोसा और मिठाई और क्या बोलते हैं जलेबी, मीठी को जलेबी बहुत पसंद है तो उसके लिए जलेबी आया है, और हम लोगों के लिए समोसा मिठाई आया है। तो यहाँ जल्दी जल्दी खा लूँगी क्योंकि लगभग 5:30 हो गया और 5:30 में शाम हो जाता है, लेकिन मैं 6 बजे सांस दिखाती हूँ तो 6 बजे से पहले मैं सोचती हूँ कि खा पी के ये सब ख़त्म हो जाना चाहिए, मतलब साफ सुथरा हो जाना चाहिए क्योंकि सांस दिखाना है, शाम हो गया। तो यहाँ मैं कृष्णा को खिला रही हूँ और मीठी यहाँ जलेबी खा रही है, उसके बाद हम लोगों को भी खाना है, ये देख सकते हैं यहाँ पे जो भी है समोसा मिठाई वगैरह वो सब हम लोग भी खा लेंगे। और उसके बाद जल्दी जल्दी हाथ पैर धो करके, मुँह हाथ धो करके, दोनों बच्चों का भी मतलब हाथ पैर धुलवा करके और चले जाएँगे सांस दिखाने। सांस दिखाने में मैं बच्चों को शामिल करती हूँ, थोड़ा सा मतलब सीखेगा, थोड़ा मतलब करना चाहिए शामिल, और हस्बैंड भी है यहाँ पर अभी, तो फटाफट मैं सांस दिखा लूँगी। और पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है, आप लोग बताना, दिन आजकल बहुत छोटा होने लगा है, कैसे टाइम हो जाता है, 1 बज जाता है खाते खाते पता नहीं चलता है, और 1 बजे के बाद कैसे आराम किया और क्या किया पता नहीं चलता है, लेकिन 4-5 बज जाता है, और 4-5 बजते ही 6 बजे से शाम ही हो जाता है, मतलब 5 बजे से ही अब शाम हो जाता है। तो सांस दिखाने के बाद जल्दी जल्दी मैं चाय बनाई हूँ, हस्बैंड चाय के लिए वेट कर रहे थे, चाय बना करके लेके आई हूँ, और यहाँ हम दोनों हस्बैंड वाइफ चाय पियेंगे, चाय इन्जॉय करेंगे, कुछ बहसबाजी करेंगे, कुछ झगड़े करेंगे, कुछ प्यार करेंगे, जो भी होता है हस्बैंड वाइफ में तो होते ही रहता है झगड़ा प्यार। सो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा, अगर थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, भले सब्सक्राइब करें या ना करें। तो चलिए मिलती हूँ नए ब्लॉग में, अच्छे से ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय, टेक केयर।